सो गाइस, क्या आप लोग कभी किसी एक्वेरियम स्टोर पे गए हैं और आपने सोचा है डैट ये फिश है, ये टैंक आपके पास भी होना चाहिए? देन गाइस, यू आर एट द राइट प्लेस. हॉप इन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित ठाकुर, यू आर वाचिंग फिश एंड फिन्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ फर्स्ट. माय नेम इज अमित ठाकुर, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम ऑल्सो एन एक्वेरियम हॉबिस्ट. गाइज, मैं पिछले कुछ 5-7 सालों से एक्वेरियम रखते आ रहा हूँ अपने पास, और आई थिंक आई हैव प्रीटी मच नॉलेज जो मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में और इस चैनल पे भी करूँगा, जिसमें कि DIY प्रोजेक्ट्स होंगे, फिश टैंक सेटअप्स होंगे, प्रोडक्ट रिव्यूज़ होंगे. गाइज, DIY प्रोजेक्ट्स में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप घर बैठे बैठे अपना एक्वेरियम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना फिल्टर कैसे खुद बना सकते हैं, और अपनी एक्वेरियम लाइट कैसे बना सकते हैं, अपना एक्वेरियम का स्टैंड कैसे बना सकते हैं. गाइज, फिश रूम टूर में मैं इंडिया में जितनी भी बेहतर जगह हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारे एक्वेरियम्स सेटअप्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे एक्वेरियम का सेटअप रखा गया है, मैं उन प्लेसेस को कवर करूँगा इन वीडियो में और आप तक पहुँचाऊँगा. गाइस, तीसरी चीज़ जो है प्रोडक्ट रिव्यूज़. इस चैनल में आपको प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे एक्वेरियम रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि फिल्टर्स हो गए और लाइट्स हो गई, फिश फूड्स हो गया, एवरीथिंग जो कि एक्वेरियम से रिलेटेड है वो आपको सारे मैं आपको यहाँ पर रिव्यू करके बताऊँगा. गाइस, अगली चीज़ जो है जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से मैंने अपना चैनल ये स्टार्ट किया है, वो ये है कि बिगिनर्स गाइड. गाइस, काफ़ी सारे हॉबिस्ट हैं जो जुड़ना चाहते होंगे. गाइस, वो उनको नॉलेज नहीं होगा कि एक्वेरियम रखते कैसे हैं, या थोड़ा बहुत नॉलेज है भी मगर वो और थोड़ा गेन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इस वीडियो में हम सेटअप कैसे करते हैं, एक बेसिक टैंक का सेटअप कैसा किया जाता है, जिसमें कि आर्टिफिशियल टैंक्स भी हो सकते हैं और प्लांटेड टैंक भी हो सकते हैं. गाइस, मैं इस वीडियो में आपसे वो भी शेयर करूँगा. गाइज, नेक्स्ट चीज़ जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो है एवरीथिंग अबाउट फिशेस. डैट मीन्स कि आपको फिशेस के बारे में जो नॉलेज चाहिए, फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन हो, सॉल्ट वाटर हो, आपको उस फिश के बारे में नॉलेज जरूर प्रोवाइड की जाएगी. गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन डेट अराइजेज हियर इज वाई एम आई डूइंग दिस. गाइज, दिस सिंपल आंसर दैट आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब यू राइट नाउ. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्वेरियम रखते आ रहे हैं अपने पास, और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो एक्वेरियम रखते हैं अपने पास या फिश टैंक रखते हैं अपने पास, और दूसरा कोई जब उनके पास जाता है, देखता है, वो सोचता है कि यार मैं भी इस एक्वेरियम या मैं भी इस फिश टैंक को रखना चाहता हूँ, वो डिसाइड करता है, वो इस हॉबी में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है, वो जाता है अपना बजट डिसाइड करता है और वो अगले दिन शॉपकीपर के पास जाता है, वो शॉपकीपर से बोलता है सर मुझे ये टैंक रखना है, मुझे ये फिश रखना है, शॉपकीपर से थोड़ा बहुत गाइड करता है मगर वो शॉपकीपर है फाइनली, उसे तो अपना प्रोडक्ट बेचना है. वो एक्वेरियम वहाँ से लेता है, परचेस करता है, फिश परचेस करता है, वो घर लेके आता है, वो 4-5 दिन काफ़ी केयर करता है उस एक्वेरियम के रिलेटेड जितना उसको शॉपकीपर ने बताया होता है, वो थोड़ा बहुत नॉलेज इधर उधर से गैदर करने की कोशिश करता है, अपने फ्रेंड से पूछता है कि यार कैसे रखना है मुझे इस एक्वेरियम को, वो थोड़ा बहुत करता है, कोशिश पूरी करता है. गाइज, वो 4 दिन 5 दिन 7 दिन महीना भर वो ट्राई करता है अपने एक्वेरियम की हॉबी को थ्राइव करे, बेस्ट पॉसिबल वे पर लेके जाए, मगर गाइज वो फाइनली वो फेल होता है. गाइज, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो इस एक्वेरियम हॉबी से पीछे हटे हैं. गाइज, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज है. सो गाइज, इस वीडियो में या इस चैनल में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि आप अपना एक्वेरियम को बेस्ट ईजिएस्ट पॉसिबल वे क्या है जिससे आप अपना एक्वेरियम हॉबी को थ्राइव करें. सो गाइज, और इस चैनल का वैल्यू प्रोपोजिशन यही था. और गाइज, जो नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि हम हर हफ्ते इस चैनल पे एटलीस्ट एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे. आपको गाइज एक वीडियो ज़रूर मिलेगा हर हफ्ते इस चैनल पे. और सो गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. और गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइएगा. और गाइज, यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो गाइज आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. गाइज, आपको वीडियो नहीं भी पसंद आई हो तो आप जरूर अनलाइक भी जरूर कीजिएगा. गाइज, जो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, मैं चाहता हूँ गाइज कि जितने भी लोग एक्वेरियम रखते हैं उनके पास एक इंस्पिरेशन हो जिस वजह से वो अपनी हॉबी को इंजॉय कर सकें. जब वो घर आए, कोई ऑफिस से कोई जॉब करके आता है या कोई स्ट्रेस में आता है, वो जब घर आता है वो अपने घर पे चाहता है कि एक उसे सुकून थोड़ा देखने को मिले, थोड़ा सा वो इंजॉय कर सके, एक सीनिक ब्यूटी को इंजॉय कर सके अपने घर में ही. सो गाइज, मुझे लगता है कि एक्वेरियम जो है एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है आपके पास. सो गाइज, आई वॉन्ट टू इंस्पायर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु एवर वॉन्ट्स टू कीप एन एक्वेरियम, एंड आई वॉन्ट टू शेयर द ईजिएस्ट पॉसिबल वे डेट दे कैन ट्राई देयर हॉबी. सो गाइज, फाइनली ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है. सो आपको आगे चैनल में बहुत सारी वीडियोज अपलोड होंगी, आपको उसमें देखने को मिलेगा. सो गाइज, थैंक यू, आप इस वीडियो में मेरे साथ ही अंत तक बने रहे हैं तो थैंक्स. और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी. आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, हर हफ्ते करता रहूँगा. सो गाइज, थैंक यू.